वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज मैं आया हुआ हूँ दुर्गा स्थान, मैं आया हूँ और ये अनीस आया हुआ है, वहाँ पर खड़ा है। तो हम लोग आए थे LIC में कुछ काम से, तो सोचा आप लोगों के लिए जो है कि दुर्गा स्थान का एक ब्लॉग शूट कर लूँ, ताकि बहुत दिनों से मैं सोच ही रहा था कि दुर्गा स्थान का एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ ताकि मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। जो कि कटिहार का दुर्गा स्थान जो है कि बहुत ही फेमस मंदिर है, और अगर आप स्टेशन पर उतरते हैं और अगर आप किसी को भी टोटो या फिर टेम्पो वाले को बोल देते हैं कि मुझे दुर्गा स्थान जाना है, तो वो आपको जो है कि डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। और ये दुर्गा स्थान में बहुत ही काफ़ी अच्छा मतलब मेला भी अगर लगता है दुर्गा पूजा के टाइम पर, तो बहुत ही शानदार तरीका से और भव्य तरीका से लगता है। तो फिलहाल तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं आया हुआ नहीं हूँ, तो ऐसे जनरली आया हुआ हूँ, तो चलते हैं इसके अंदर देखते हैं। आप देख रहे हैं वो जो अभी सजा हुआ है, तो वो भवन है दुर्गा स्थान में। अगर यहाँ पर कभी शादी ब्याह का माहौल होता है तो भोज करने के लिए, शादी उदी करने के लिए जो है कि यहाँ पर भवन भी दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जितना भी बड़ा फील्ड देख रहे हैं आप, ये मेला सारा जो है कि भरा हुआ रहता है पूरा एकदम मेला से, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहता है, जो कि दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है कि काफ़ी शानदार माहौल रहता है यहाँ पर। तो अनीस अभी उधर गया हुआ है, ये है मुख्य द्वार, ये पीछे गेट है, मैन आगे यही है, लेकिन ये भी है एक गेट, और एक उधर से जिधर से हम लोग आए हुए थे उधर से भी एक गेट है। ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूं, और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।